हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रियंका शर्मा। और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो ही लाइफ में कुछ कर पाओगे, नहीं तो तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो कैसे कुछ कर पाओगे। इसलिए अपनी सेहत का सब ख्याल रखें, क्योंकि मेरी ख़राब है, मेडिकल फील्ड से होते हुए भी मेरी ख़राब है। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगी, हमारा तो काम ही है पेशेंट की केयर करना। हम दूसरों को तो ठीक कर रहे हैं पर खुद की बिगड़ रही है भाई, क्या करें। खैर छोड़ो, सब अपना ध्यान रखें। आज के एपिसोड पे चलते हैं, मतलब जो कल नाइट का जो एपिसोड था उस पर बात करते हैं। हम अपने बिग बॉस 16, वैसे तो सीजन 14-15 से बहुत अच्छा है बीबी 16, उससे तो बहुत बेटर है। 14-15 तो बिल्कुल भी मतलब लगा ही नहीं कि बिग बॉस का कुछ चल गेम है ये। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा 14-15 से तो बेटर है, 13 जैसे तो कोई सीजन आ ही नहीं सकता। सिद्धार्थ शुक्ला, सेनाज गिल, पारस, मायरा, बाकी तो अदर और भी कंस्ट थे, आसिम रियाज, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थे यार। वैसा सीजन तो मुझे लगता नहीं है अब वापस कभी आए, बनेगा भी वैसा कुछ। पर चलो कोई नहीं, फिलहाल अपन बीवी 13 की बात नहीं करते हैं, इवन बीवी 16 की बात करें। कल रात का जो एपिसोड था वो मैंने अभी देखा, कल नाइट को मैं देख नहीं पाई, फिर मॉर्निंग में ड्यूटी थी तो हॉस्पिटल जाना था, तो अभी देखा है तो अभी रिव्यू कर रही हूँ। चलो भाई, बिग बॉस आपने तो साजिद जी को महाराज बना दिया, साजिद जी बिग बॉस ही बने हुए थे अभी, और तो बिग बॉस से ऊपर आपने तो महाराज भी बना दिया उनको। बाकी आप कुछ भी बना लो उन्हें, साजिद जी बिग बॉस को आप महाराज बना दो या एक नॉर्मल कंटेस्टेंट के तौर पे रिपिन रखो, कैसे भी कुछ भी कर लो। बाकी उनकी जो इमेज है ना, वो सुधारने आए हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है वो अपनी इमेज सुधारने के बजाय उल्टा बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपने स्मोकिंग के लिए कितनी बार बोल चुके हो कि नहीं करनी, ओपन में स्मोकिंग नहीं करनी, नहीं करनी, पर साजिद जी बिग बॉस को कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो अपने हिसाब से ही चलना है, तो वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि साजिद जी बिग बॉस थे, अब तो आपने महाराजा और बना दिया है, तो महाराजा बनने के बाद तो भाई अब तो उनके अंदर और पावर आ गई है, तो कितना ही समझा लो बस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है साजिद जी बिग बॉस के ऊपर। क्योंकि नियम कायदे कानून सब जो आज तक नहीं हुआ, 15 सीजन निकल गए बिग बॉस के, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बट 16 में ये सब देखने को मिल रहा है। और बिग बॉस आप ही सोचो, आप इतनी बार वार्निंग दे चुके हो, अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। आज के एपिसोड में आप फिर वार्निंग दोगे, आज नाइट के एपिसोड में, तो आपको लगता है कि आपके साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज में चेंज आएगा? नहीं आएगा बिग बॉस, लिख के दे रही हूँ स्टाम्प पेपर पे आपको, नहीं आएगा। हाँ, और जो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं वो ज़रूर थोड़ा बहुत संभल जाएं, पर साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, ये बात फैक्ट है, लिख के ले लो। आज के टास्क के बारे में बात करते हैं, नॉमिनेशन टास्क अच्छा था,
आपने जो अनफेयर किया उसको फेयर करने के लिए आपने आज एक टास्क रखा, जिसमें प्रियंका ने भाई पलटी मारी। उसने शालीन को भेजा, शालीन को पता, ये तो पता था कि शालीन और टीना दोनों एविक्शन में जाएंगे 100%। लेकिन प्रियंका ने जो पलटी मारी है और अपने ग्रुप को छोड़ के वो शालीन के साथ गई है, जबान जबान, तो ठीक है प्रियंका जी, देखते हैं कि प्रियंका चौधरी आगे कितनी एक जबान पे रहती हैं अपने पे। क्योंकि मैं इतना तो श्योर हूँ, अर्चना चाहे भला ही शालीन से या किसी से भी बात कर रही हो और कोई भी बात कर रही हो, वो कभी भी प्रियंका को नॉमिनेट नहीं करती, कभी भी नहीं करती। और अर्चना जी, आपको बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप किसी की दया पे नहीं आए, ना किसी भीख पे आए हो, आप अपने ऊपर आए हो। निमृत ने जो बात बोली है वो एकदम सही बोली है कि आप अपने दम पर आए हो, बिल्कुल, ना कि आप चले गए तो प्रियंका, सौंदर्य, गौतम सब ने आपका सपोर्ट किया, आप उसकी वजह से वापस आए हो, नहीं, आप अपने दम पे वापस आए हो, नहीं आए आप किसी और के उस पे। इसलिए आप जैसे हो आप वैसे ही खेलो। वैसे तो जो गेम है तो भाई अपने लिए खेलना तो बनता है, तो प्रियंका ने गेम खेला और अपने आप को और अंकित को बचा लिया, बचा तो लिया, लेकिन क्या कभी आगे उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सौंदर्य, गौतम, अर्चना की उसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है। गौतम और सौंदर्य तो हो गए इविक्ट, जहाँ तक है मुझे लगता है वो इस वीक जाने वाले भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस वीक कोई जाएगा, नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। इसलिए चिंता मत करो गौतम वेज एंड सौंदर्य शर्मा, नहीं जाओगे आप, मेरा दिल कह रहा है ऐसे। और बाकी भी अगर बिग बॉस ही कोई गेम खेल जाएं तो एक बात अलग है, वैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो जानी चाहिए। अब कब तक होती है देखो, इस वीक करते हैं या नेक्स्ट वीक, तो वाइल्ड कार्ड में कौन आता है कौन नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी अर्चना ने जो बोला वो ठीक बोला एक बात तो, कि भाई ट्रॉफी जीतने वाले नॉमिनेशन से डर गए। तो प्रियंका चौधरी जी, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हो, जब आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, अपने दोस्तों का साथ देते, क्योंकि यही दोस्त किसी दिन आपके भी काम आते। और 100% आते, आप उनके, वो आपके ग्रुप में है या वो आप सब लोग एक साथ में रहते हो, तो अर्चना के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, पर वो भरोसे वाली है, इसीलिए जनता ने उसको वापस बुलाया। भाई लड़की में दम तो है, जो बोलती है ठीक बोलती है, मुंह पे बोलती है, और जो मुंह पे बोलता है वो बुरा तो लगता है, तो क्यों डरना था नॉमिनेशन से, कुछ नहीं होता, सेफ रहते आप आज। और गौतम और सौंदर्य को आप नॉमिनेट कर देते तो उनको दुख नहीं होता, लेकिन शालीन ने किया, टीना ने किया तो उनको दुख हुआ, वो आपसे ये बात बोल भी रहे थे लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई, बट आपको नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे गेम कभी उनके हाथ में भी आएगा, जब क्या होगा तो देखते हैं। और बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
थैंक यू।